बुधवार को रामनगर और गुरुवार को आजमगढ़ मार्ग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यूपी में हाईवे और रिंग रोड से आने वाली 6 सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर करीब 1.5 वर्ष से काम चल रहा है। राजस्व कर्मियों के सहयोग से लोक निर्माण विभाग अवैध निर्माण चिन्हित करने के साथ वैध निर्माण और जमीन का मुआवजा बांट रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का रिकॉर्ड नहीं है या वे लोक निर्माण विभाग को नहीं दे पा रहे हैं। पांडेपुर चौराहे से रिंग रोड तक सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे भवनों को जिला प्रशासन ने भारी विरोध के बीच तोड़ दिया। अपना आशियाना टूटता देख कई महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गईं। महिला पुलिस के हटाने पर सड़क पर लेट गईं, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और उन्हें किनारे कर दिया। उसके साथ ही बुलडोजर गरजता रहा। यही हाल अन्य सड़कों पर भी रहा। भारी फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण तोड़ने के साथ कार्यदायी संस्था मलबा हटाती रही। 5 मार्च तक जिला प्रशासन को सभी 6 सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे और चिन्हित भवनों को तोड़कर लोक निर्माण विभाग को खाली स्थान देना है, जिससे कि परियोजना समय पर पूरी हो सके। हाईवे और रिंग रोड से आने वाली 6 सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर करीब 1.5 वर्ष से काम चल रहा है। राजस्व कर्मियों के सहयोग से लोक निर्माण विभाग अवैध निर्माण चिन्हित करने के साथ वैध निर्माण और जमीन का मुआवजा बांट रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है या वे लोक निर्माण विभाग को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे मुआवजा देने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको लेकर शासन ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को चिन्हित निर्माण को तुड़वाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर बुधवार को रामनगर और गुरुवार को आजमगढ़ मार्ग पर तोड़ने की कार्रवाई हुई।